यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ। और पिछले हफ्ते जो हमारे दोस्तों ने, भाइयों ने, बहनों ने, बच्चियों ने जो सवाल किए थे, वो हमारा कार्ड जो है ख़राब हो गया था, तो वो वीडियो और वो उनके जवाब गायब हो गए थे। तो बराए मेहरबानी वो दोबारा जो ना सवाल करें, इंशाल्लाह हम उनको जवाब देंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक पर बेशुमार लोगों ने मजबूर किया कि इस टॉपिक पे बात करो। हालांकि इस टॉपिक पे अभी हम बात नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन बहुत से दोस्तों ने, बहुत सी बहनों ने, बहुत सी बच्चियों ने कहा जी इस मौजू पे आपने बात नहीं की, शादी है या बर्बादी, शादी है या बर्बादी। तो ये जो हाथ में लकीर में बनाऊंगा, इसको हम शादी बर्बादी कह सकते हैं, शादी बर्बादी कह सकते हैं। तो लकीरें कैसे होंगी मैं आपको बना के बताता हूँ। इन लकीरों को अपने दोस्तों के हाथ में, अपने जानने वालों के हाथ में आप चेक कर सकते हैं और देखें, अगर किसी के हाथ में हो तो उसको कहें कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करे, तो इंशाल्लाह अगर वो कोशिश करेगा तो बदल भी जाएगा, और अगर कोशिश नहीं की जाएगी तो सेम यही सिचुएशन होगी जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बना के बताता हूँ ज़िंदगी की लकीर, ये है ज़िंदगी की लकीर। उसके बाद ये आ गई है दिमाग की लकीर, उसके बाद ये आ गई दिल की लकीर, ये दिल की लकीर, और उसके बाद ये है कामयाबी की लकीर, ठीक है। और ये है लक लाइन, ये भी यानी कामयाबी से जाके आगे मिलती है, लेकिन फ़िलहाल मैंने कामयाबी की लकीर अलग बनाई है और किस्मत की लकीर अलग बनाई। तो प्यारे दोस्तों, अब उस शादी की लकीर को देखें कि जो तबाही और बर्बादी का बाइज बनती, ये इस तरह की लकीर होती है हाथ में, और इससे एक लकीर निकलकर कामयाबी की लकीर को काटती हुई, कामयाबी की लकीर को काटती हुई, और दिल की लकीर को काटती हुई, दिमाग की लकीर को काटती हुई, किस्मत ज़िंदगी की लकीर को काटती हुई, उभारे ज़ोहरा में दाखिल हो जाती। यानी शादी की लकीर ये दो शाखा है, दो शाखा लकीर है, इसकी एक शाख जो है वो कामयाबी की लकीर को काटा, फिर उसने दिल की लकीर को काटा, फिर दिमाग की लकीर को काटा, और फिर ज़िंदगी की लकीर को काटा। और यहाँ पर ये अगर ये किस्मत की लकीर इसके दरमियान में आती है तो इसने किस्मत की लकीर को भी काट दिया। तो सबसे पहले ये दो शाखा जो है, इसकी अलामत तो ये होती है कि आपका रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग, लेकिन रास्ता अलग से ये बात बहुत आगे है। रास्ता अलग हो जाना तो यही है ना कि आप अलग हो गए, मैं अलग हो गया, इस तरह से मियाँ अलग हो गए, बीवी अलग हो गई, ये मामला। लेकिन ये जो मामला है ये ऐसे नहीं है। इस शादी के अलग होने में, यानी इनके अलग होने में कितनी बर्बादी है कि सबसे पहले ये जो काम कर रहे थे या जो ये वर्क कर रहे थे या जो बिज़नेस कर रहे थे, उस बिज़नेस को इसने तबाह किया, उस लकीर को काट के गुज़र गई। जैसे दरख्त की एक शाख होती है, पेड़ की एक शाख होती है यूँ, और वो शाख आगे चलती चली जाती, इसी तरह ये शाख चलती चली जा रही है। सबसे पहले जो कामयाबी पे अटैक करी तो बिज़नेस के मामले और कामयाबी के मामलों को मिट्टी में मिला दिया। उसके बाद इसने जो है ना दिल की लकीर पर अटैक किया, दिल की लकीर पर अटैक किया, और जब ये लकीर दिल की लकीर को तोड़ के गुजरी तो दिल में एक सदमा रह गया, यानी एक सदमा रह गया कि भाई क्या ऐसा हो गया, ठीक है ना। ये उसके बाद इसने जो है ना दिमाग की लकीर को काटा, जिन दिमाग पे भी असरअंदाज हुई। आपने कुछ लोग देखे होंगे ना, चलते चलते बातें कर रहे होंगे, या कुछ ऐसे देखे होंगे कि वो अपने अकेले अपने साथ लगे हुए बात करते, ये वही सिचुएशन होती है, ये वही सिचुएशन होती है। अब ये दिमाग पे जो असर कर रही है तो इसका मतलब है कि दिमागी मामलात को बर्बाद कर रही है। उसके बाद ज़िंदगी की लकीर, ज़िंदगी की लकीर अगर हम शुरू में देखें तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये जब हादसा, ये जब वाक़या हुआ, उसके बाद ये लकीर ये इस तरह से फैल गई है, ये फैल गई, यानी आगे जितना वक्त है वो मुश्किल का वक्त है। इस लकीर को अपने दोस्तों के हाथ में, अपने जानने वालों के हाथ में ज़रूर देखिएगा। और अगर यहाँ पर समझ आपको नहीं आया तो मैं अलग से भी आपको बना के बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें शादी की लकीर है, और ये शाख बढ़ती हुई काटती 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 सब लकीरों को यहाँ तक पहुँच गई। तो ये शादी नहीं कहेंगे, इसको हम बर्बादी कहेंगे। ये वो बर्बादी है कि जिसने कारोबार तबाह कर दिया, जिसने नाम तबाह कर दिया,
जिसने दिल पर असर छोड़ दिया, जिसने दिमागी सलाहियतों को मफलूज कर दिया, जिसने किस्मत की लकीर को जो रोज़गार था वो सब ख़त्म कर दिया, भस्म कर दिया उसको, और उसके बाद ज़िंदगी की लकीर उसको जनी ऐसा तबाह किया कि अच्छी लकीर चल रही थी उसके बाद से ये लकीर जनी फैल गई और ख़त्म हो गई जनी। ये जिस बंदे के साथ भी हादसा हुआ उसको चोट भी लगी, इसकी वजह से दिमागी तवाज़ुन भी आउट हुआ इसकी वजह से, और कारोबार भी तबाह हुआ इसी वजह से, और ज़िंदगी पूरी डिस्टर्ब हुई वो भी इसी की वजह से। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि ये आपके किसी दोस्त या किसी जानने वाले के हाथ में हो। लेकिन इल्म सीखने के लिए ये जो ना इस तरह के अगर लकीर किसी के हाथ में आपको मिल जाए तो उनको ये कहें कि अपनी आदत, अपने मिजाज और अपनी सोच को बदल दो। ये तीन चीज़ें बदल जाएंगे तो ये लकीर खुद ब खुद रास्ता छोड़ देगी, सैड हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी, या फिर सिर्फ जनी ऐसा दो शाखा बना देगी, रास्ते अलग अलग हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा। ये नहीं कि ये शाख जो ना निकलते निकलते सारी लकीरों को काटते 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 एंड में ज़िंदगी की लकीर को भी बर्बाद कर दे। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, और इसके साथ ही शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। एनी ने सवाल किया है फैसलाबाद से कि ये बताएँ कि मेरे आने वाली ज़िंदगी कैसे होगी। अनी साहबा, आपकी ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात नज़र आती हैं, लेकिन बाकी अल्लाह के फजल से सब बेहतर और सब अच्छा है। आप कोशिश करें कि सूरह फातिहा जो है उसको पाबंदी से पढ़ा करें, ताकि आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो भी पूरी हों और आने वाली ज़िंदगी भी आपकी अल्लाह के फजल से अच्छी और बेहतर हो। मेरा नाम आबिद मोहम्मद उस्मान है और पिंडी से मेरा ताल्लुक़ है। मैं जो भी काम करता हूँ उसमें नाकामी होती है। कुछ अरसा तो सिलसिले बेहतर होते हैं, उसके बाद सिलसिले सारे बिगड़ जाते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह, प्यारे दोस्त, आपके हाथ की जो लकीरें हैं, आपकी किस्मत की लकीर चल रही है, चलते चलते आके वो दिमाग की लकीर के पास आके रुक जाती है। दिमाग की लकीर के पास जो लकीर रुक जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ है जो आपके काम को होने नहीं देती। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग को फ्रेश करें, और जो काम नहीं करना उसके बारे में जो सोच या प्लान आपने बना के रखा हुआ उसको अपने दिमाग से निकाल दें। अल्लाह के फजल से आप कामयाब भी होंगे और आपका कारोबार भी अच्छा होगा। लेकिन कोशिश करें कि पहले अपने दिमाग को फ्रेश ज़रूर कर लें, क्योंकि आपकी लक लाइन जो किस्मत की लकीर है दिमाग की लकीर पर आकर ब्रेक होगी, उससे आगे नहीं चल रही। अब कोशिश आपने करनी है, इंशाल्लाह चलेगी भी और कामयाबी मिलेगी। आसमा परवीन ने सवाल किया गुलबर्गा इंडिया से कि ये बताएं कि मेरे हाथ में कोई तलाक की अलामत है या नहीं। सबसे पहली बात तो यह है कि आपके हाथ में मोहब्बत या लिंग की एक लकीर है जो कोई ख़ास कामयाब मुझे नज़र नहीं आती। उसके बाद आपके हाथ में जो शादी की लकीरें हैं वो तीन लकीरें, तीन लकीरों से मुराद ये है कि दो लकीरें साइड पर हैं और एक लकीर उनके बीच से निकल रही है। ये जो लकीर होती है इसका मतलब ये होता है कि शादीशुदा बंदे से होगी, और दूसरे हाथ में आपकी जो शादी की लकीर है वो कुछ फैली हुई है, यानी वक्ती तौर पर प्रॉब्लम या मसाइल का सामना हो सकता है, बाकी डिवोर्स की उसमें कोई अलामत मौजूदा वक़्त में नहीं है। आगे चलकर अगर बन जाए तो उसके बारे में कहा नहीं जा सकता, लेकिन शादीशुदा से शादी वाली अलामत बड़ी गहरी, बड़ी वाजे और बड़ी साफ मौजूद है आपके हाथ में। आसमान ने सवाल किया इंडिया से कि अकबर भाई, मेरे शोहर को मर्दाना कमज़ोरी है और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, और अगर इसी तरह इनकी कमज़ोरी बरकरार रही या मज़ीद ख़त्म होती चली गई तो आगे ज़िंदगी मेरी किस तरह गुजरेगी। प्यारी बहन, ये काम तो वैसे हकीमी काम है, लेकिन हम आपको मशवरा ज़रूर देंगे और बताएंगे ज़रूर, अगर आप अमल करेंगी तो इंशाल्लाह उसमें कामयाबी भी होगी। बात यह है कि काले चने बुने हुए काले चने जो हैं उनका ये इस्तेमाल करें, जब घर में आएँ तो वो काले चने जो ना वो ज़रूर खाएं, किलो सवा किलो लेके रखें, वो ख़त्म हो जाए तो और मंगा लिया करें। और इसके अलावा किशमिश के सात दाने, किशमिश के सात दाने पानी से धोकर उसको किसी मिट्टी के बर्तन में या मिट्टी के गिलास में पानी से भर दें, पानी से भर के उसमें सात दाने किशमिश के डाल दें, सात दाने किशमिश के डाल दें, सुबह निहार मुँह कुल्ली करने के बाद ये पानी जो किशमिश का हो ये पी लें, और वो जो किशमिश के दाने पड़े हैं वो ये खा लें।
अक्सर ये कमज़ोरी और ये पता उन लोगों को होती है जिनका उभार ज़ोरा काफ़ी उभरा हुआ होता है। मिसाल उभार ज़ोरा इश्क व जिनसी मामलात का उभार, क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर जोश बहुत होता है, ये सब्र नहीं कर पाते। इनके लिए आपने एक वीडियो भी की थी, बच्चियों के लिए भी की थी कि अगर बच्चियों के साथ ऐसा मसला है तो कोशिश करें जल्द से जल्द उनकी शादी कर दें, यानी वो समझदार हो जाएं तो उनकी फौरी शादी कर दें। तो इसी तरह लड़कों का भी है कि लड़के भी जब देखें कि इस हद तक जा रहे हैं तो ये वो जज्बात में आके ये वो लोग हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। मिसाल जैसे रेप के वाकयात आजकल आम हो रहे हैं, इस तरह का भी ये कर सकते हैं। और इसके अलावा हीट इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है और हीट ज़्यादा होने की वजह से ये कई तरह की बुराइयों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से अपनी मर्दाना कमज़ोरी ख़त्म कर लेते हैं। काले चनों का ये इस्तेमाल करें और किशमिश का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह एक माह के बाद आप इनकी पोजीशन देखेंगे, आप खुद हैरान रह जाएंगे। हालांकि ये काम हमारा नहीं है, लेकिन आप हमारी बहन हैं इसलिए मैंने आपको इसका जवाब दे दिया। मोहम्मद तैमूर ने सवाल किया गुजरात से कि ये बताएं कि मेरी किस्मत में दौलत है कि नहीं, अगर है तो कब मिलेगी। प्यारे दोस्त, आपके हाथ में कामयाबी की भी दो लकीरें मौजूद हैं और आपके हाथ में किस्मत की लकीर भी बहुत अच्छी है। आप कोशिश करें, इंशाल्लाह ये साल, आने वाला साल और उसके बाद भी आने वाले जो साल हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे और बहुत बेहतर साबित होंगे इंशाल्लाह। अरिबा ने सवाल किया नौशेरा से कि ये बताएं कि मेरी किस्मत कैसी है और मेरी शादी कब होगी। अरिबा साहबा, अल्लाह के फजल से आपके हाथ में किस्मत की लकीर बहुत अच्छी है और आपकी शादी 2022 और 2023 में नज़र आती है और शादी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से कामयाब होगी। अब्दुल अलीम ने सवाल किया कराची से कि ये बताएं कि आगे की ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। प्यारे दोस्त, आपके हाथ में किस्मत की लकीर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छी है और कामयाबी की लकीर भी आपके हाथ में नुमाया और क्लियर लकीर है। बहरहाल कामयाबी की लकीर के नीचे एक ट्राइंगल बन रहा है जिसे हम तकून कहते हैं। इसका मतलब ये है कि बिनाई आपकी थोड़ी वीक हो रही है, यानी नज़र कमज़ोर हो रही है, उस पर तवज्जो दें। बाकी किस्मत आपकी अल्लाह के फजल से अच्छी है और आने वाला वक्त आपका बहुत अच्छा होगा। सुगरा बीवी ने सवाल किया कसूर से कि ये बताएं कि खुशियां कब आएंगी और आने वाली ज़िंदगी कैसे होगी। आपका हाथ अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा और बहुत बेहतर हाथ है। कोशिश करें कि अपने आप को दीन की तरफ लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद इब्राहिमी पढ़ते रहा करें। आपका आने वाला वक्त इंशाल्लाह बहुत अच्छा और बहुत बेहतर होगा। अली हसन ने सवाल किया रावलपिंडी से कि मैं बाहर काफ़ी अर्सा रह कर आया हूँ, अब यहाँ आया हूँ और ये मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ, ये बताएँ कि आगे मेरी किस्मत कैसी है, क्या कामयाबी मिलेगी। बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना है, अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरह की परेशानियां हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह 2022 के पाँचवें माह के बाद आपके हालात अल्लाह के फजल से बेहतर हो जाएंगे, आपकी मुश्किलें आसान होंगी। और आप कोशिश करें सूरह इखलास को पाबंदी से पढ़ें, आपका आने वाला वक्त इंशाल्लाह अच्छा होगा और ये परेशानियाँ इंशाल्लाह सब दूर हो जाएंगी। मारिया ने सवाल किया मंडी फैज़ाबाद से कि ये बताएँ कि मेरी शादी पसंद की होगी या नहीं और शादी के बाद की ज़िंदगी कैसे होगी। मारिया साहबा, आपके हाथ में जो शादी की लकीर है ये अपने टाइम पीरियड से लेट है। मिसाल के तौर पर अगर 20 साल में शादी होनी थी तो ये 22 या 23 में होगी, एक मिसाल दे रहा हूँ। तो इसी तरह आपकी शादी जो है ना 2023-2024 में होने का इम्कान है और शादी अल्लाह के फजल से आपकी कामयाब रहेगी लेकिन होगी लेट। सफ़ा ने सवाल किया खुशाब से कि ये बताएं किस्मत कब खुलेगी और कब अच्छा वक्त आएगा। इंशाल्लाह 2023 जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर और बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और इंशाल्लाह कामयाबी नसीब होगी। इससे पहले भी आपके अल्लाह के फजल से हालात काफ़ी हद तक बेहतर हों, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मज़ीद बेहतर होने का इम्कान है। इरफान मलिक ने सवाल किया कराची से कि मैं एक तालीमी इदारे का काम करता हूँ और मैं आगे तालीमी इदारा भी बनाना चाहता हूँ और ये बताएं कि मुझे इसमें कामयाबी मिलेगी या नहीं। प्यारे दोस्त, आज दिन तक आपने जो भी ख्वाहिश की, जो भी तमन्ना की, अल्लाह के फजल से पूरी हुई। इंशाल्लाह इसमें भी आप कोशिश करें, अल्लाह के फजल से मुझे ये लगता है कि आने वाले वक्त में आप कामयाब होंगे, क्योंकि आपके हाथ में कामयाबी की लकीर बड़ी नुमाया शुख और गहरी मौजूद है। और इसके साथ ही इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।